हेलो हाउ आर यू फ्रेंड्स। जिस तरह से आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, हम लोगों ने एक सेपरेट वे में स्टैटिक जनरल नॉलेज का एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो हमारी आज का जो हमारा टॉपिक है, आई थिंक ये सेकंड और थर्ड होगा, लेकिन आई डोंट नो एग्जैक्टली नंबर ऑफ वट टॉपिक। सो आप देखेंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। मेरा इन टॉपिक्स को इस तरह से सेपरेट करने का सिर्फ एक ही एम था और है भी, आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग। क्योंकि अगर आप एक बार भी इस वीडियो को देखते हैं, उसके साथ साथ आप इनके नोट्स बना लेते हैं अपनी सेपरेट कॉपी पर, तो आपको अच्छे तरीके से याद आ जाएंगे ये चीज़ें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो हमारा जो पहला पहला क्वेश्चन है वो होगा, व्हेन एंड वेयर डिड हाजी शरीयतुल्लाह बॉर्न, कहाँ और कब हाजी शरीयतुल्लाह पैदा हुए थे। ठीक है, ऑप्शन ए फरीदपुर 1780, ऑप्शन बी फरीदपुर 1781, ऑप्शन सी लाहौर 1782, ऑप्शन डी आगरा 1770। तो करेक्ट आंसर इज फरीदपुर 1781। हाजी शरीयतुल्लाह बान पैदा हुए थे फरीदपुर में 1781 में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन। फरेजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, फरेजी मूवमेंट को बेसिकली फरेजी मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था। ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी हाजी कासिम, ऑप्शन सी शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन डी सर सैयद। तो फरेजी मूवमेंट को जो स्टार्ट किया था वो किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, रिमेनिंग ऑप्शंस आर फॉल्स। ओके, व्हेन फरेजी मूवमेंट स्टार्टेड, किस साल में कब फरेजी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1816, ऑप्शन सी 1817, ऑप्शन डी 1818। तो फरेजी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक इट क्लियर, हाजी शरीयतुल्लाह 1799 से लेके 1818 तक सऊदीया में ही रहे थे, स्टे किया था उसने। उसके बाद जब वो बैक हुए तो उसने फरेजी मूवमेंट का स्टार्ट किया था। तो डेफिनेटली 1818 में ही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपको ये बात भी याद होनी चाहिए, मे भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आएगा क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में, हाजी शरीयतुल्लाह कितना अरसा अरेबिया में स्टे किया था उसने। ओके, आ भी जाए तो 1799 से लेके 1818 तक वो सऊदी अरेबिया में ही रहे थे। वेयर फरेजी मूवमेंट स्टार्टेड, फरेजी मूवमेंट किस शहर में किस जगह पर स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी आगरा। तो जो फरेजी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी वो की गई थी बंगाल में, आई थिंक ईस्ट बंगाल, बंगाल में की गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, बंगाल में फरेजी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ फरेजी मूवमेंट, फरेजी मूवमेंट का मकसद क्या था, स्टार्ट क्यों की गई थी वो। ऑप्शन ए टू गिव अप बंगाल, ऑप्शन बी टू हेल्प इंग्लिश, ऑप्शन सी टू प्रोमोट एजुकेशन, ऑप्शन डी टू गिव अप एन अन इस्लामिक प्रैक्टिस। तो आप फरेजी मूवमेंट का जो भी एम था, फंडामेंटल उसका जो एम था वो यही एम था कि जो भी लोग अन इस्लामिक कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए फरेजी मूवमेंट का स्टार्ट किया था, स्टार्टेड की थी कि हमारी जो भी अन इस्लामिक या हमारी जो भी मिक्सअप में हमारा हिंदुओं के साथ उनके कस्टम्स, जो भी ट्रेडिशन हम लोगों ने एडॉप्ट की हुई है, उसको ख़त्म करने के लिए फरेजी मूवमेंट हुई थी। जैसे एग्जाम्पल तो मैं यहाँ नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, जो भी अन इस्लामिक चीज़ें होती हैं हमारे मुआशरे में अब भी, इनके अगेंस्ट था वो कि ये चीज़ें नहीं हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, टू गिव अप अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस। ओके,
जो भी अन इस्लामिक चीज़ें हैं उनको आप ख़त्म कर लें। इसलिए इसने फ्रेजी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। वो इसने बेसिकली हाजी शरीयत का जब स्टार्ट किया था, इसने सबसे पहले जो एम्फेसाइज किया था वो पुअर पीपल्स को किया था। ओके, पुअर पीपल को करने का एम यही था। उनको इस फाइनेंशियली मदद करते थे और उन लोगों को इजी वे में उनको एक सीधी राह पे भी लेके आना बहुत आसान होता है। आप लोग अब भी समझ सकते हैं कि कैसे किसी चीज़ को अगर आगे लेके जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो पुअर कम्युनिटी है उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से इसने भी एक पुअर सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी को टारगेट किया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम कितना भी सक्सेसफुल हुई नहीं हुई वो एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों ने जो स्टेप्स उठाए थे वो यही थे कि अन इस्लामिक जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हों उनको ख़त्म किया जाए। और जो इसका फर्स्ट जैसे स्टेप उठाया वो उठाया इन लोगों ने पुअर पीपल के थे। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन है। वेन हाजी शरीयतुल्लाह डेड, कब हाजी शरीयतुल्लाह चल बसे, कब वो दुनिया से चले गए, कब वो मर गए। ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन डी 1841, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन डी 1843। तो हाजी शरीयतुल्लाह की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1814 में। ओके, तो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 1840 में हाजी शरीयतुल्लाह की डेथ हो गई थी। उसके बाद इसका एक बेटा था दद्दू मियाँ, जिसने फ्रेजी मूवमेंट को आगे चलाया और वेरियस नेम से भी फ्रेजी मूवमेंट आगे चल के फेमस हो गई थी। जब हम उसके टॉपिक पे आएंगे तो मैं उसको डिफाइन कर दूंगा। दद्दू मियाँ को भी हम डिफाइन कर देंगे, उसका रियल नाम क्या है क्या नहीं, वो भी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी। लेकिन यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होनी चाहिए, हाजी शरीफ कब पैदा हुए, कब मर गए, फरेजी मूवमेंट का एम क्या था, क्यों स्टार्ट की गई थी, किसके खिलाफ थी। ओके, तो इन चीज़ों को आप एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।